हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कभी कभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस की। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉयल। इन लोगों ने बोला था कि प्लांट जो होता है अपना न्यूट्रिशन कहां से लेता है, सॉयल से लेता है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वॉन हेलमंट। उन्होंने बताया था कि प्लांट डू नॉट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉयल, दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द वाटर। इन्होंने बताया था कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन सॉयल से न लेके कहां से लेते हैं, वाटर से लेते हैं। ठीक, हालांकि इनके बारे में हम लोग बात बात किया जाएगा कि प्लांट हाउ प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन, लेकिन ये हिस्टोरी है, आपको जानना है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपके एग्जाम में कि ऑक्सीजन का डिस्कवरी किसने किया था। जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन, इन्होंने ऑक्सीजन गैस का डिस्कवरी किया था। और जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था कि प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेज ऑक्सीजन, यानी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, दे प्यूरिफाई द इन्वायरमेंट। ये जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था। बाद में जॉन इंगनहॉज, इन्होंने जोसेफ प्रिस्टले का समर्थन किया, ही सपोर्टेड द जोसेफ प्रिस्टले। और उन्होंने बस एक पॉइंट ये जोड़ा था कि प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेज ऑक्सीजन एंड प्यूरिफाई द एनवायरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जॉन इंगनहॉज ने बताया था कि ये काम प्लांट जो होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में करते हैं, जबकि जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन खोजा था और उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि प्लांट फाउल एयर को लेकर, CO2 को फाउल एयर कहा जाता है, फाउल एयर को लेकर उसको प्योर एयर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जोसेफ प्रिस्टले ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट कहते हैं कैंडल बर्निंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था कि एक ऐसे जार ले लिया था, बेल जार, और इसमें इन्होंने कैंडल को बर्न किया, यानी मोमबत्ती को जलाया, और इसमें इन्होंने रख दिया था एक चूहा। चूहा थोड़ा अच्छा नहीं है पर देखने में लग रहा है चूहा है। तो ये कैंडल बर्निंग है और ये चूहा है, लाइव है दोनों। आपको पता है कि जार में जितना भी ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन जो होगा वो माउस रेस्पिरेशन में यूज कर रहा होगा, और आपको ये भी पता है कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन लेती है, तो ये यहां भी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा होगा। इस तरीके से धीरे धीरे जार में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होता जाएगा और थोड़ी देर के बाद ये जो लाइट है, कैंडल है, ये पुट ऑफ हो जाएगा, बुझ जाएगा, और जो माउस है वो ही विल गेट सफोकेटेड, और वो भी सफोकेटेड हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अगर क्या करते हैं हम कि इसी जार के अंदर अगर हम एक मिंट का प्लांट रख देते हैं, मिंट का प्लांट रख दें, तो देखिए ये जो माउस है ये रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, CO2, और ये CO2 को प्लांट जो होगा वो ले लेगा फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस लेने करने के बाद ये प्लांट जो मिंट का प्लांट है ये फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, रिलीज करेगा। इस तरीके से जार के अंदर जो होगा वो गैसीय साइकिल चलती रहेगी, यानी कभी ऑक्सीजन का डिफिशियंसी नहीं होगा। इस तरीके से आपका कैंडल भी बर्निंग कंडीशन में रहेगा और माउस जो है वो भी सफोकेटेड नहीं होगा। इस तरीके से जोसेफ प्रिस्टले ने कैंडल बर्निंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑक्सीजन के इम्पोर्टेंस को समझाया था। अब हम लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ यू विल प्रूव दैट क्लोरोफिल एंड लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल
और लाइट की जरूरत पड़ती है, इसको आप कैसे प्रूफ करोगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप एक लीफ लीजिए, एंड लीफ शुड बी वेरीगेटेड। वेरीगेटेड लीफ जो होती हैं, इनमें जगह जगह येलो पोर्शन होता है, आप देखेंगे जैसे क्रोटान वगैरह की पत्ती में पाई जाती हैं, ये येलो पार्ट है। येलो है इसका मतलब कि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं है यहाँ पे। और ये जो इसका ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे क्लोरोफिल है और येलो वाले पार्ट में नहीं है। अब इसको हम सन के लाइट में छोड़ देते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। उसके बाद हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं। तो जो ग्रीन पार्ट है इसमें क्लोरोफिल है, तो लाइट के बाद यहाँ पे स्टार्च बनेगा, और स्टार्च को जब आप आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो ये ब्लू या ब्लैक कलर देता है, ब्लू ब्लैक। इस तरीके से आप कहेंगे कि जो ग्रीन वाला पोर्शन है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो स्टार्च का टेस्ट कैसा देता है? पॉजिटिव देता है, क्योंकि तो इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। और जो येलो पोर्शन है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसको लाइट रखने के बाद, लाइट में रखने के बाद फोटोसिंथेसिस तो हुआ नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन क्या होगा? नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा। तो आयोडीन जब इसमें मिलाएंगे तो ये ब्लू ब्लैक टेस्ट नहीं देगा, यानी जो येलो पोर्शन है इसमें स्टार्च का टेस्ट कैसा होगा? निगेटिव होगा। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। समझ में आ गया आपको? अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप एक लीफ ले लीजिए, और लीफ का आधा पोर्शन जो है आप ब्लैक पेपर से या किसी भी चीज से ढक दीजिए जिससे लाइट ना मिले इसको। अब इस पे हम लोग लाइट देते हैं, तो जो एक्सपोज्ड पार्ट है जिस पे लाइट पड़ा, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो इस पोर्शन में स्टार्च बनेगा। स्टार्च बनेगा तो जब आप आयोडीन इसमें डालेंगे तो इस ये कैसा टेस्ट देगा? पॉजिटिव टेस्ट देगा। और जो पोर्शन आपने ब्लैक पेपर से या किसी चीज से ढका हुआ है, यहाँ पे इसको लाइट नहीं मिला, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, आयोडीन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, और इस तरीके से जो स्टार्च का टेस्ट है वो कैसा आ जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर सकते हो कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का जरूरत होता है और फोटोसिंथेसिस में लाइट का जरूरत होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ यू विल प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, आप कैसे प्रूव करोगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी होता है? इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया, और साइंटिस्ट का नाम है मोल। उनके एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है मोल्स एक्सपेरिमेंट, मोल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछता भी है कि मोल एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड विथ, तो रिलेटेड विथ ऑक्सीजन, रिलेटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलेटेड विथ क्लोरोफिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मोल का एक्सपेरिमेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है, और ये प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जरूरी होता है। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, आप क्या करिए कि पहले एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ऐसे यहां कॉर्क से ये बंद रहेगा, टेस्ट ट्यूब हो गया ये। अब इसमें आप क्या करिए कि एक लीफ को अंदर डालिए जिसका हाफ पोर्शन जो हो, हाफ पोर्शन जो है वो लीफ के टेस्ट ट्यूब के अंदर है, और बाकी का जो पोर्शन है इसका वो बाहर एक्सपोज है। अब क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में हम लोग डाल देते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है
ये CO2 का एब्जॉर्बर होता है, CO2 एब्जॉर्बर होता है, यानी स्टेज टू में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सब पोटेशियम डाइऑक्साइड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद हम इस पे पत्ती को लाइट में रख देते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो जो एक्सपोज पार्ट है उसको लाइट भी मिला और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला इसको, और लीफ के अंदर क्लोरोफिल भी है, और प्लांट वाटर का एब्जॉर्प्शन भी स्वेल से कर लेगा। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं, लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सारा एक्सपोज पार्ट को मिलता है। इस तरीके से एक्सपोज पार्ट में फोटोसिंथेसिस के बाद स्टार्च बनेगा, और स्टार्च को जब आप आयोडीन से ट्रीट कराएंगे तो ये ब्लू ब्लैक कलर आएगा। इसका मतलब कि टेस्ट कैसा होगा, स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट देगा ये, जबकि जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ सारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो यहाँ इसमें क्लोरोफिल तो होगा, इसको लाइट भी मिलेगा, इसको वाटर भी मिलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। तो जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर है यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन क्या होगा, नहीं होगा। और स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आयोडीन से ट्रीट करने के बाद कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्टार्च का टेस्ट कैसा होगा, निगेटिव होगा। अतः इससे, इस एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है। इस तरीके से हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट चीज देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है। नेक्स्ट है जूलियस वॉन सैक, ही प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इन्होंने बताया था कि जब प्लांट ग्रोथ करता है तो ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट है वॉन नील ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस वेयर हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। इन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जहां पे हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये इक्वेशन है 2H2A, यहां से आपको हाइड्रोजन मिलता है जो CO2 को रिड्यूस करके और कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है। आप फोटोसिंथेसिस का जो डिटेल इक्वेशन आप जानते हैं, 6CO2 + 12H2O, यहाँ पे लाइट लगेगा आपको, क्लोरोफिल रहेगा और कार्बोहाइड्रेट बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड कौन करता है, H2O, जो जाकर के बाद में फिर NADPH और NADPH बनाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो कि जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं बीच बीच में आपको वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते जाऊंगा। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।